पीएम मोदी के लिए बहुत ही खास है 2024, रच सकते हैं इतिहास, देश की दिशा तय करेगा आम चुनाव। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। अगले साल यानी 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे। मंगलवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले 400 दिन बचे हैं और हमें लोगों की सेवा में सब कुछ करना है, हमें इतिहास रचना है। आइए देखते हैं वो कौन सा इतिहास है जो 2024 के चुनाव में रचा जाएगा। 2024 के चुनाव में अगर बीजेपी जीतती है तो सबसे बड़ी बात पीएम मोदी के लिए होगी। उनके नेतृत्व में पार्टी 2 बार चुनाव जीत चुकी है। तीसरी बार जीत उन्हें देश के प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में अलग मुकाम पर खड़ा करेगी। इसके पहले 2 ही प्रधानमंत्री 2 कार्यकाल पूरा करके 3री बार चुनाव जीत चुके हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1952, 1957 और 1962 का चुनाव जीते। 1964 में पद पर रहते हुए उनका निधन हो गया। उनके बाद इंदिरा गांधी भी 3 चुनाव जीती और पीएम बनी। इंदिरा गांधी 1967, 1971 का चुनाव जीती। 1975 में इमरजेंसी लगा दी गई और 1977 में चुनाव हुए जिसमें इंदिरा की करारी हार हुई, लेकिन 3 साल बाद 1984 के आम चुनाव में उन्हें फिर से जीत मिली और प्रधानमंत्री बनी। 1984 में पीएम पद पर रहते हुए उनकी हत्या कर दी गई। वैसे तो 3 बार प्रधानमंत्री बनने की लिस्ट में बीजेपी के ही दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी है, लेकिन 3 बार को मिलाकर वह सिर्फ 6 साल ही पद पर रहे थे। पूरे कार्यकाल को देखें तो पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के 2 कार्यकाल की बराबरी कर ली है। ऐसे में अगर उनके नेतृत्व में 2024 में जीत मिलती है तो वे नेहरू और इंदिरा की कतार में खड़े होंगे। देश की राजनीति में आजादी के बाद थोड़े समय को हटा दें तो 4 दशकों तक कांग्रेस ने राज किया। कांग्रेस को उच्च जातियां, मुसलमान और दलितों का साथ मिला। हालांकि 70 के दशक में कांग्रेस को राज्य में चुनौती मिलने लगी थी। फिर आया 90 का दशक, इसमें एक तरफ मंडल था, दूसरी तरफ कमंडल यानी बीजेपी की हिंदूवादी राजनीति। इसने देश में गठबंधन राजनीति का दौर शुरू किया जो 2014 तक कायम रहा। 2014 आते आते बीजेपी पूरी तरह से नए कलवेयर में थी। अब तक उच्च जातियों की पार्टी कहीं जाने वाली भाजपा ने 2014 में बताया कि उसने मंडल की काट ढूंढ ली है। नरेंद्र मोदी ब्रांड बनकर उभरे और उनके नेतृत्व में न सिर्फ केंद्र बल्कि राज्यों में भी बीजेपी का परचम लहराया। हिंदू प्लस मोदी ब्रांड की सबसे खास उपलब्धि रहा। यूपी जहां बीजेपी बस सांस ले पा रही थी, 2 बार से प्रचंड बहुमत से सरकार में है। अभी भी मोदी ब्रांड को चुनौती देने वाला कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस अभी खुद को तैयार ही कर रही है। उधर केजरीवाल, ममता बनर्जी, केसीआर ये सब साथ तो नजर आते हैं, लेकिन इन सब की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। बिहार से नीतीश कुमार का नाम भी उछाला जा रहा है, लेकिन वे खुद अभी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। ये शायद नब्ज समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हुई पीएम मोदी की जीत को लेकर संभावनाएं, लेकिन क्या होगा अगर पीएम मोदी हार गए तो? अगर पीएम मोदी हारते हैं तो भी इतिहास बन जाएगा। 2001 में सीएम बनने के बाद वह कभी कोई चुनाव नहीं हारे। 2014 में केंद्र की सत्ता पर पहुंचने के बाद 2019 में भी वह उपराज्य रहे। अब देखना है कि 2024 में तीसरी बार वह फतेह कर पाते हैं या नहीं। आप सभी का इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे अगर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।